आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं स्टूडियो मास्टर एसएम प्रोफेशनल कंपनी के TR44 सीरीज के वायरलेस माइक्रोफोन का डबल हैंड वाला माइक्रोफोन है। कहीं भी स्टूडियो मास्टर या एसएम प्रोफेशनल का लोगो नहीं दिख रहा है। यहाँ कुछ डिटेल्स दी गई हैं, शायद किनारे कहीं लिखे होंगे, भूल गए बेचारे कि लोगो भी देना। अच्छा यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप, और यहाँ इसका मॉडल नंबर है, देखिए यहाँ भी एसएम प्रोफेशनल लिखा है। और इसका MRP कुछ 14,130 रुपये दिया गया है। बार बार पूछ के तंग ना करें, सामने लिखना था भैया लोगो वोगो स्टूडियो मास्टर का, किनारे नहीं। चलो ठीक है, क्या ही बोलें। अब इसको खोल के देख लेते हैं क्या कुछ मिलता है इसके साथ में। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है। ये है यूज़र मैनुअल, ज़रूर एक बार पढ़ लें। और ये है माइक, गिरे ना उसके लिए ग्रिप, एंटी रोलिंग स्किड, जैक टू जैक लीड दी गई साथ में। अरे दो दे देते कम से कम, चलो ठीक है। और ये अडाप्टर है, इसको बाद में देखेंगे। ये एंटीना है, आपने बहुत सारे माइक में देखा होगा, एनलेस वगैरह के भी माइक में यही आता है। और भी क्या दिया गया देखते हैं। ये बैटरी, इस बार कंपनी ने बैटरी देके एहसान कर दिया है। और ये है माइक, ये देखिए एकदम एनलेस जैसा, क्यों वो दिया है भैया, फोम वोम भी थोड़ा अच्छा देना होगा। बाकी ठीक है, क्वालिटी रेंज टेस्ट करेंगे। बाकी फोम पतला है, बाकी माइक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। इधर एसएम प्रोफेशनल लिखा गया है, इधर ऐसे डंडी जैसा निकला हुआ है, और ऑन ऑफ का इधर बटन दिया है। थोड़ा सा नीचे होने में दिक्कत, बट ठीक है, चलते चलते आदत हो जाएगा। और यहाँ पे अपन डबल ए वाली बैटरी डाल सकते हैं माइक की, देख सकते हैं आप। और ये ढक्कन है, प्लास्टिक का है, मेटल नहीं है ये वाला ढक्कन जो है। बाकी इसको कुछ होगा नहीं, इसको ऑन कर लेते हैं, देख सकते हैं आप ऑन लिखा गया है। और इसका फ्रीक्वेंसी नंबर भी आप देख सकते हैं, 544125 लिखा गया है, तो बढ़िया है। और बैटरी का भी इंडिकेशन देता है, ये थोड़ा सा टाइट है, बस ऑफ हो गया देखिए, पर आपको आदत हो जाएगी। ये ऑन हो गया, तो ठीक है, 644.125 है। अब इसके बाद हम इसको माइक को देखिए, कवर लगा दिए हैं कुछ इस तरीके का दिख रहा है, क्योंकि वो पचका हुआ था तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी खुले खुले में अपने आप ये ठीक हो जाएगा। और बढ़िया वजनदार भी है, एकदम हल्का माइक नहीं है। और ये वाला अडाप्टर आपने XR40 माइक में भी देखा होगा, सेम वही अडाप्टर है। और यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं, सामने का हिस्सा कुछ, अरे वेलकम, क्या बात है, ठीक है। इधर से ऊपर का वॉल्यूम करने के लिए है, बीच वाला चैनल चेंज करने के लिए है, और उसके बाद फिर ऊपर वाला दबाएंगे तो चैनल चेंज होता है। तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिया गया इसमें। तो 200 फ्रीक्वेंसी आप इसका चेंज कर सकते हैं। ये जो सिंक्रोनाइज लिखा है वो IR इंफ्रारेड है, और यह वाला जो बटन दबा के रहेंगे ऑटोमेटिक, फिर जिसमें भी रुकना होगा उसमें रुक जाएगा। उसके बाद एक बार और प्रेस करेंगे सिंगल, अब देखिए एक IR लिखा गया। इसके बाद यहाँ जो इसका IR है इंफ्रारेड, उसके पास में इसको ले जाना है, और इसको माइक को रख देंगे, देखिए ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, और सेम सेम दोनों में फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। फिर आप हेलो बोलेंगे, देखिए हम हेलो बोल रहे हैं तो वो फ्रिक्वेंसी खेल रहा है, तब कुछ ऐसा माइक है ये। और इसके बाद हम इसकी जो रेंज टेस्ट है उसको भी चेक कर लेते हैं। हेलो 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 अरे भैया तुम किधर गए, ऑटो के पीछे छुप गए का। हेलो हेलो और जा और जा हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो
जाए और दूर हो जाए। हेलो 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 सिक्स हेलो 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 वन टू थ्री हेलो चेक चेक जा रहा हूँ आज। हेलो 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 अरे कुछ बोलो। हेलो हेलो वन टू थ्री चेक हेलो 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 गाना गा सकता हूँ क्या? गाना गा के सुनाओ, हंसोगे थोड़ी ना। हेलो हेलो सब को देख के मेरे को हंस रहा है, पागल हो गया है बोल रहे। हेलो 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 वन टू थ्री चिक 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 हेलो हेलो वन टू थ्री।